जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि आज की जो रीडिंग है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, लेट्स स्पाई ऑन योर पर्सन। आपके पर्सन के बारे में हम आज की रीडिंग में सब कुछ डिस्कस करेंगे। पास्ट में क्या एनर्जी थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। इट्स फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। और जो टाइम स्टैम्प्स है फॉर ईच साइन वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और सीधा अपने साइन को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन व्हाट आर दे अप टू। जो पहला साइन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज द एरी साइन, यानी कि मेष राशि के लिए। सो मेष राशि, चलिए बात करते हैं आपके पर्सन के बारे में। इट्स फॉर करंट सिचुएशन, राइट, कि क्या चल रहा है और अब क्या था पास्ट में, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। सो लेट्स फाइंड आउट टू एरीज पीपल, आपके पर्सन के बारे में व्हाट डू वी नीड टू नो। ओके ओके, एरीज पीपल, आपके पर्सन की अगर बात करें सो मे बी दे आर यू नो लाइक हो सकता है वो इस चीज़ से परेशान हो कि आप उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और मे बी दे आर यू नो टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और यू बोथ आर टेकिंग द लाइक यू नो ब्रेक। और मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि आपके जो पर्सन हैं या वो अपनी मनी पे फोकस्ड हैं, या देयर इज़ समबडी न्यू, ठीक है, हो सकता है उनको कोई ऑफर्स भी आ रहे हों, बट दे आर टेकिंग रेस्ट। मुझे ऐसा लगता है दे आर टेकिंग टाइम एक्चुअली इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, और जो भी हुआ आप लोगों के बीच में वो इस चीज़ को लेके, या दे आर टेकिंग टाइम, ठीक है। पास्ट में क्या एनर्जीज थी, पास्ट में आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक, आप इस पर्सन को दे आर लाइक साइलेंट यू नो एंड दे आर वेरी शेडी ऑल्सो, और आप इस पर्सन के बारे में इतना जज नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू यू नो कीप थिंग्स, मतलब हाइड करते हैं, एंड थोड़ा प्लेयर एनर्जी भी है इस पर्सन की, राइट, यू नो लाइक प्लेयर एनर्जी। बट पास्ट में दे वर वेरी अट्रैक्टेड टू यू और आपकी तरफ आना चाहते थे, बट नाउ मे भी हो सकता है जो चीज़ें हैं वो स्लो हो गई हैं, साइलेंट हो गई है आप लोगों के बीच में, रिफ्यूज़ल मोड है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये आपके ऊपर स्पाई करते रहते हैं, ठीक है, और अटेंशन सीकर है ये जो पर्सन है, लाइक अटेंशन सीकर भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि दे आर हुक्ड ऑन यू, आपकी तरफ आते रहते हैं, ठीक है, लाइक दे कांट, लाइक को डिपेंडेंट सिचुएशन है टोटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में, वाइस वर्सा आप स्विच भी कर सकते हैं रोल्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो रहा है या आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और येस देयर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे लगता है कि ठीक है, अपने आप पे ये काम भी कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस भी कर रहे हैं, अपनी मनी पे भी फोकस कर रहे हैं, बट एक ब्रेक, समबडी इज़ टेकिंग ब्रेक, ठीक है, इन दिस कनेक्शन। और लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिर से आएंगे, और यस लिटिल बिट ऑफ लाइक अट्रैक्शन है यू कह लीजिए, यू नो, और दे आर हुक्ड ऑन यू, साइलेंट लाइक आप लोगों के बीच में साइलेंस था, तो ये ओवरऑल चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू एरीज पीपल, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि वो आपको यू नो स्पाई करते हो, चेकआउट करते हो, और सोशल मीडिया आपका चेकआउट करते हो। चलिए अब बात करते हैं लियो पीपल की, आपके पर्सन व्हाट आर दे अप टू। लियो पीपल, आपके जो पर्सन है ना, लाइक मुझे लगता है आप लोगों के बीच में यू नो कुछ इफ एंड बट रहती है, एक कम उधर होता है तो कभी एक कम उधर होता है, ठीक है, ये चीज़, बिकॉज मुझे थोड़ी ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के बीच में, हालांकि यू कम टुगेदर, ठीक है, आप लोग दोबारा वापस मिल जाते हैं, बट वो चीज़ मुझे एक दिखाई दे रही है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक ईगो क्लैशेस, ठीक है। पास्ट में क्या एनर्जी थी इस पर्सन की, आई थिंक इट्स अबाउट यू नो लाइक, एक तो ये पर्सन थोड़े डिफेंसिव मोड में रहते हैं, दूसरा ये इनकी जो फीलिंग्स है फ्लक्चुएट करती रहती हैं,
डिफेंसिव मूड में हो सकता है, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया हो, या यू नो लाइक इस कनेक्शन में इनको लगता है इन्होंने बहुत कुछ फेस किया हो. मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है लाइक दे हैव टेंडेंसी टू कीप इमोशंस, लाइक उनकी जो टेंडेंसी है ना वो अपनी लाइक इमोशंस को अपने आप तक रखते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. ठीक है. एंड येस दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन मनी ऑल्सो, मनी एज वेल, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ मनी, 10 of Pentacles. ठीक है. लेकिन अपने आप तक इमोशंस रखने वाले पर्सन है ये, या यूँ कह लीजिए अब होल्ड करते हैं इमोशंस को और कोई एक्शन नहीं लेते, या ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है. थोड़ा ईगो, थोड़ा मनी को लेके थोड़ा फोकस्ड हैं, थोड़ा डिफेंसिव मोड में भी हैं, और हो सकता है कि बिट लाइक साइलेंस पीरियड आप लोगों के बीच में चल रहा हो, तो वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लियो पीपल. तो या इट्स अबाउट यू नो ईगो थिंग. चलिए अब बात करते हैं सेजिटेरियस पीपल की, आपके पर्सन के बारे में बात करेंगे. आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ओके, सेजिटेरियस पीपल, इट्स अबाउट यू नो लाइक सम वॉट लाइक ईगो, इगोइस्टिक मे बी, उनको लगता है कि उनके तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए, या मे बी उस तरीके से वो चाहते हैं. ठीक है. और आप लोगों के बीच में ये हो सकता है होल्डिंग ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस को होल्ड कर रहा है कोई, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. एंड मोर ओवर लाइक पास्ट में भी मुझे लगता है कि येस, हो सकता है आप दोनों में से कोई डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है. हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये सब चीज़ें हुई हों. एंड मोर ओवर मुझे लगता है मनी, लाइक मनी थिंक यू नो वो भी चीज़ बीच में आ रही है आप लोगों के बीच में, इफ़ यू आर मैरिड. और अगर आप सिंगल हैं तो ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे पास्ट में ज़रूर दिखाई दे रहा है. और फ्यूचर की अगर बात करें तो अगेन मुझे ये दिखाई देता है कि येस, इट्स लॉट ऑफ जगलिंग. ठीक है. जगल कर रहे हैं. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आप छुपा रहे हैं, आपके पर्सन छुपा रहे हैं. आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इट्स टोटली ओवर, एंड ख़त्म. ठीक है. आप लोगों के बीच में ऐसी बातें हों, और कोई मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ट्राई भी कर रहे हैं कि इसको बेटर पोजीशन पे लाया जाए, लेकिन फिर इट्स अबाउट कीपिंग सीक्रेट्स, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, जगलिंग. ठीक है. हो सकता है कि देखिए कि मनी को लेके भी ये हो रहा हो, या सेटअप कुछ करना हो, कुछ डिफरेंट लेवल पे कुछ आप सोच रहे हो, या अगर मतलब मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं तो आप सोचते हो कि कहीं और सेटअप कर लें, दिस एंड दैट. ये इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं फॉर ऑल यू सेजिटेरियस पीपल, मुझे यही नज़र आ रहा है. ठीक है. चलिए टॉरस, लेट्स स्पाई ऑन योर पर्सन. टॉरस करंट एनर्जी आपके जो पर्सन की, आई थिंक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है. मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो समबडी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, या आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं. इट्स अबाउट को डिपेंडेंट, हो सकता है कोई आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो रहा हो, कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा हो. ठीक है. या आप किसी को रीच आउट करना चाह रहे हो, किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स. ठीक है. और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए, बट मुझे जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी के पास चॉइसेस भी हो. ठीक है. आपके यू नो समबडी फ्रॉम द पास्ट वांट्स टू कनेक्ट विद यू, या आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ आए. पास्ट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की? साइलेंस, लॉट ऑफ साइलेंस. मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में चीज़ें बदल गई थी. दिस पर्सन इज़ लाइक वो अपने पे फोकस कर रहे थे. ठीक है. और साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है इन द पास्ट. अगर हम बात करें फ्यूचर मूव, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है लाइक इट्स अबाउट यू नो होल्डिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है. लाइक यू स्टिल हैव लव फॉर समबडी. ठीक है. मतलब किसी के लिए मन में आपके इमोशंस हैं, प्यार है, लाइक यू नो, लेकिन यू आर कीपिंग पेशेंस. और मे बी हो सकता है कि कोई आपके लिए पेशेंस रख रहा हो, कोई आपको कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन यू नो स्ट्रगलिंग बहुत दिखाई दे रही है. और हो सकता है टॉरस पीपल आपके पास चॉइसेस भी हो, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है. बट नेवर माइंड, येस दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों के रिलेशनशिप
में. पास्ट में दिस पर्सन वॉज साइलेंट, नाउ समबडी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट. हो सकता है आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन वापस आ जाए, ठीक है. और फ्यूचर एनर्जी, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज मेकिंग एनी मूव. हो सकता है ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं राइट नाउ एंड इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी भी है, ठीक है. जगलिंग चल रही है. वर्गो पीपल, आपके पर्सन व्हाट आर दे अप टू? वर्गो पीपल, इट्स अबाउट यू नो कीपिंग पेशेंस. यस, स्ट्रगल चल रही है, ठीक है. हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, शायद हो सकता है कि ये किस यू नो लाइक दे हैव फीलिंग्स फॉर समबडी एल्स, कुछ के लिए हो सकता है. और अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है लाइक यू हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, यू हैव इमोशंस फॉर ईच अदर, ठीक है. वी हैव टू ऑफ कप्स, ठीक है. पास्ट एनर्जी क्या थी इस पर्सन की? मुझे लगता है आप लोगों के बीच में लाइक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, शायद हो सकता है. और इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस. पास्ट में मुझे लगता है चीज़ें आप लोगों के बीच में इतनी स्मूथ नहीं है. हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कोई एक्वेरियस हो, अर्थ साइन हो. वाटर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, फायर भी. लेकिन आपके जो पर्सन है ना, लाइक आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ हो या वॉट एवर, आप लोगों की बात ना हो रही हो, लेकिन एक होप है स्टिल कहीं ना कहीं, ठीक है. फ्यूचर मूव क्या है इस पर्सन का आपकी तरफ? रिजिस्टिंग, लॉट ऑफ रिजिस्टेंस, ठीक है. और हो सकता है कि ये पर्सन वेट करते हो लाइक कि दे आर अनडिसाइडेड एक्चुअली, ठीक है. वो अनडिसाइडेड है इस चीज़ को लेके कि क्या करना है क्या नहीं करना. हो सकता है आपका वेट कर रहे हो बिकॉज दे वॉन्ट अ कम्प्लीट फैमिली और वो सेटल होना चाहते हैं, ठीक है. शादी, किड्स एंड ऑल दैट, दिस सी अ फैमिली. बट आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को लेके हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या ये चीज़ें यू नो इस वजह से हो गई हो. लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड हार्टेड, नर्चरिंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों के बीच में मुझे लगता है कुछ दूरियाँ हैं शायद. कैप्रिकॉर्न पीपल, आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं. आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे लगता है मोर फोकस्ड ऑन देयर मनी राइट नाउ. अपने मनी पे फोकस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इट्स अबाउट कि उन्होंने अपने आप को कहीं, हो सकता है बाउंड, कुछ स्टक है, कोई सिचुएशन स्टक है. हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या कहीं ना कहीं ये पर्सन लाइक आई थिंक कोई है थर्ड पार्टी, या दे आर लाइक यू नो उनको आदत है टू अल्कोहल, ये वो, या पार्टी करना, इधर उधर घूमना, इंजॉय करना, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है. पास्ट, ओके, इट्स अबाउट यू नो आप लोगों के बीच में एक मनी को लेके, और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू नो लाइक एक पीरियड ऑफ साइलेंस, या यू कह लीजिए कीप टेकिंग ब्रेक, यू नो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है. और थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशनशिप में. कैप्रिकॉन, लॉट ऑफ हार्ट ब्रोकन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, या हो सकता है कोई अपनी मनी को लेके फोकस्ड है. मान लीजिए मुझे लगता है ये पर्सन इस टाइम अपनी मनी को लेके फोकस्ड है, या फिर इनको आदत है, कुछ हैबिट्स हैं, यू नो क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, या दे इंजॉय और लाइक बाहर घूमना फिरना, इंजॉय करना, हाइडिंग थिंग्स और सीक्रेट्स एंड ऑल दैट अफेयर्स, ये वो, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं. एंड फॉर अदर्स मुझे लगता है इट्स अबाउट न्यू. हो सकता है कि पास्ट में लाइक यू वर इन अ ब्रोकन रिलेशनशिप, लाइक कुछ हो गया था एंड इट्स अबाउट न्यू, यू आर ट्राइंग टू रिकवर, कुछ ये भी चीज़ें हो सकती हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल. और आपके पार्टनर के साथ भी मुझे सिमिलर चीज़ें ही लग रही हैं, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं जेमिनी पीपल की. लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन. जेमिनी पीपल, ये जो पर्सन है ना थोड़े से ईगोइस्टिक है. मे बी यू नो इनकी पोजिशन ऐसी है या जो भी है, बट दिस पर्सन सीम्स टू बी, बट
ऑफ इगोइस्टिक, जगल कर रहे हैं ये, इनकी जो फीलिंग्स हैं फ्लक्चुएट करती रहती हैं ऑल द टाइम, इवन दे डोंट नो कि उनको क्या चाहिए इन दिस रिलेशनशिप. पास्ट में क्या था, आई थिंक दिस पर्सन इज़ मैरिड, या मे बी हो सकता है इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ से, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए. इन्होंने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया था, येस ऑफ कोर्स, हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए थे पास्ट में, हो सकता है ये चीज़ें भी रही हों, लेकिन इन्होंने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया, ठीक है. फ्यूचर में क्या मूव हो सकता है, ओके, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो, ये दे कीप ऑन वॉकिंग अवे. ये पर्सन जो है, आप कोई ना कोई यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए. आ तो जाएंगे, लेकिन आप मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद तभी ये हो सकता है वापस आए, अदरवाइज मुझे लगता है इनकी टेंडेंसी ऐसी है, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ऑलवेज यू नो ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं. एंड थर्ड पार्टी भी हो सकता है इन्वॉल्व हो. लिब्रा, क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी? ओके, मुझे ऐसा लगता है दे आर यू नो लाइक आपके जो पार्टनर हैं दे आर फाइटिंग, और मे बी हो सकता है स्ट्रगल, यू नो लाइक मुझे स्ट्रगल फुल दिखाई दे रही है, लाइक स्टिल फाइटिंग फॉर अ कनेक्शन, या ये चीज़ें हो सकती हैं, या इट्स अबाउट यू नो होल्डिंग ऑफ इमोशंस, और उनके मन में फीलिंग्स हैं बट हैंड ओवर करना चाहते हैं लेकिन होल्ड कर रहे हैं, शायद ये हो सकता है, ठीक है. और पास्ट में क्या था, मे बी इट्स अबाउट लाइक समबडी वॉज लाइक बिट इन अ यू नो लाइक किसी ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया, हो सकता है कि आप आपके पर्सन ने यू नो और उनकी लाइफ में कोई हो, या हो सकता है कि देवर इन अ प्लेयर एनर्जी, ठीक है, या उनकी लाइफ में कोई था या आपकी लाइफ में कोई था, किसी ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया. फिर स्टिल मुझे जगलिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल. इट्स अबाउट लाइक यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, और हो सकता है कि किसी की लाइफ में चॉइसेस हों, किसी को समझ ना आ रही हो, कोई बिगनिंग चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, और फ्यूचर में भी ये पर्सन जगल करने वाले हैं. फॉर ऑल यू लिब्रा पीपल, आपके जो पर्सन है, ठीक है, दे आर नॉट टेकिंग एनी मूव, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं आपको लेके. एंड हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो या कुछ हो, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. और पास्ट में भी मुझे लगता है इन्होंने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया था, और अभी भी ये इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं. एक्वेरियस, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन नाउ. एक्वेरियस पीपल, बिट्रेयल, ठीक है, आपके पार्टनर भी बिट्रेड फील कर रहे हैं. मुझे लगता है कि उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है. और बट कहीं ना कहीं मनी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व आप लोगों के बीच में, मनी थिंग, कोई चेंज चाहता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपके जो पार्टनर है ये बिट्रेड फील कर रहे हैं एक्वेरियस, और ये उन्हीं की वजह से है, ठीक है. पास्ट में क्या एनर्जी थी इस पर्सन की, आई थिंक दे आर लाइक बिट ऑफ अ केयर फ्री पर्सन, ठीक है, और ठीक है लाइक मुझे लगता है कोई स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है ये जो पर्सन है. मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंसिस को लेके भी हो सकते हैं, या मे बी यू नो दे आर बिट ऑफ केयर फ्री, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, बहुत परेशानी मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में, ये भी लाइक दे वर गोइंग थ्रू दिस, ठीक है. फ्यूचर मूव, आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ है, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है. इट्स अबाउट यू नो लाइक पीनट्स, गिविंग पीनट्स टू समबडी, कभी बात हो गई कभी नहीं हुई, बट यू वांट इक्वल गिव एंड टेक. और ये जो पर्सन है लाइक आप लोगों के बीच में ना, इट्स अबाउट कि डाइसी सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आती, वेरी स्लो प्रोसेस, एंड इट्स अबाउट यू नो लाइक बींग लाइक इन अ ईगो सिचुएशन, वो भी मुझे दिखाई दे रही है. प्लेयर टेंडेंसी भी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ से, तो केयर फ्री यू नो मुझे स्टेबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही. हालांकि ट्राई यहाँ पे कोशिश की जा रही है टू लाइक यू नो कनेक्शन को स्टेबल करने की, बट स्लो प्रोसेस है ये. अब बात करते हैं कैंसर पीपल की. Let's spy on your person. Okay, Cancer people, मुझे ऐसा लगता है आपके जो person है ना, they want
स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन, दे वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है. एंड येस, हो सकता है ये चीज़ इनको परेशान करती हो, बॉदर करती हो, बिकॉज दे वॉन्ट अ कनेक्शन जिसमें इक्वल गिव एंड टेक, और मुझे लगता है स्टेबिलिटी चाहते हैं आपकी तरफ से. या यू कह लीजिए कि हो सकता है उन्होंने अपने आप को बिजी कर रखा है, ठीक है. पास्ट में एनर्जी क्या थी? पास्ट में मुझे लगता है कि इट्स अबाउट फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, इमोशंस, लाइक समबडी इज़ इन अ डिफेंसिव मोड. हो सकता है कि इस पर्सन को लगा हो कि इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, आप लोगों के बीच में इगोइस्टिक सिचुएशन थी, ठीक है, और समबडी वेटिंग फॉर अ चेंज, और आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेज हो रहे हो, ये चीज़ें भी हो रही हो, ठीक है. फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है? जगलिंग अगेन फॉर ऑल द कैंसेरियंस, मुझे लगता है जगलिंग इट्स अबाउट, यू नो, आप कनेक्ट करते हैं स्टिल, फिर फाइट हो जाती है, एंड लाइक कोई बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें लाइक यू नो थिंग्स आर नॉट लाइक वर्किंग, हो सकता है ये चीज़ें काम ना कर रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल. स्कॉर्पियो, ओके, स्कॉर्पियो पीपल, आपके जो पर्सन हैं दे आर यू नो लाइक रियली दे लव यू, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक, दे आर लाइक एन एम्प्रेस, ठीक है. दे आर वेरी काइंड, वेरी गिविंग काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, ठीक है, बट रिजिस्ट कर रहे हैं, कुछ है आप लोगों के बीच में, मे बी थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी है. पास्ट में क्या था? मुझे लगता है कि होपलेस, यू नो, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, होपलेस, गिविंग साइलेंस पीरियड है आप लोगों के बीच में. और फ्यूचर में क्या? दिस पर्सन वॉन्ट्स कम्युनिकेशन विद यू, हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है. और दे वॉन्ट टू वर्क दिस रिलेशनशिप, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप यू नो आगे बढ़े, कुछ हो इसमें. एंड आई थिंक देयर इज लो यू नो लाइक कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में लाइक साइलेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, समबडी ट्राइंग, और हो सकता है ये पर्सन लाइक यू नो यू शेयर दैट बॉन्ड, यू बोथ हैव इक्वल फीलिंग्स फॉर ईच अदर, यू हैव दैट लव, बट मुझे लगता है कि आप साइलेंट हैं, या मे बी आप इतना टेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से. पाइसेस, लेट्स स्पाई ऑन योर पर्सन. ओके, पाइसेस पीपल, दिस पर्सन हैज़ ओवरवेलमिंग इमोशंस फॉर यू, लाइक यू नो आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स, ठीक है, लॉट ऑफ इमोशंस, बट थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत है आप लोगों की रिलेशनशिप में. हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर चेकआउट करते हो, और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्ट करते हो, दिस एंड दैट, ये मुझे दिखाई दे रहा है. पास्ट में क्या था? रिफ्यूज़ल, ये पर्सन रिफ्यूज़ कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हो सकता है आप लोगों का कोई यहाँ पर रिफ्यूज़ कर रहा है. येस, होपलेसनेस दिखाई दे रही है, पेशेंस रखने की, यू नो पेशेंस रख रहा है कोई, इट्स अबाउट किसी को लगता है कि उन्होंने एफर्ट्स तो डाले हैं, लेकिन होपलेसनेस दिखाई दे रही है, रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है किसी की तरफ से. फ्यूचर एनर्जी क्या है इस पर्सन की? रिजिस्टिंग. ओके, दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू पाइसिस, पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे लगता है आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, इट्स अबाउट यू नो दे आर हुक्ड ऑन यू, दे आर कनेक्टेड टू यू, दे हैव लव फॉर यू, इट्स अबाउट इक्वल लव, ठीक है. लेकिन मुझे ये लगता है कि रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, कोई रेजिस्ट कर रहा है कनेक्शन को, इट्स अबाउट कि कोई वेट कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी में अटका हुआ है कोई, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, फॉर ऑल यू पाइसेस पीपल. तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द साइंस, ठीक है. आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रीडिंग्स और हम लाते रहेंगे. सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.